रोटेशन मेथड है तो उस रोटेशन मेथड का यूज करके हम ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं तो वहां हमें ये ऑक्जलरी प्लेन मेथड फिर से पढ़ने की जरूरत क्या है वाई देर इज अड टू लर्न दिस ऑक्जलरी प्लेन मेथड फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट कि अभी तक हमने लाइन में जो भी कुछ वैरायटीज देखी हैं, उन वैरायटी में से सिर्फ ऑब्लिक लाइन के जो प्रॉब्लम हैं, वो ऑब्लिक लाइन के प्रॉब्लम और उसकी ट्रू लेंथ हम रोटेशन मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कुछ रिमेनिंग टाइप्स ऑफ द लाइन यहां है जिन्हें हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस कहते हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन है प्रोफाइल लाइन है पैरेलल लाइन्स हैं परपेंडिकुलर लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये जो सारे बाकी की वराइटी है इस वराइटी में अगर आपको किसी लाइन की ट्रू लेंथ अगर चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज करना पड़ेगा यानी कि ऑब्लिक लाइन हमने पढ़ लिया है ग्रेड और बेरिंग हमने पढ़ लिया है निगेटिव ग्रेड एंड बेरिंग भी हमने पढ़ लिया है लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पैरल लाइन परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन स्क्यू एट दैट टाइम यू मस्ट नो दिस ऑक्सिलरी प्लेन मेथड इन ऑर्डर टू डिफाइन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ट्रू लेंथ द पॉइंट व्यू

यू कैन ड्रॉ दी रिस्पेक्टिव ट्रू लेंथ और दू इंक्लिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्जलरी प्लेन मेथड इस ऑग्जलरी प्लेन मेथड का यूज हमें कहां करना है जो अदर वराइटी ऑफ द लाइन्स हैं उनमें ट्रू लेंथ निकालने की ट्रू uh, लेंथ निकालने के लिए हमें यह मेथड यूज करनी है क्योंकि पैरल लाइन परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्यू लाइन प्रोफाइल लाइन इन सारे मेथड्स में हम ये जो रोटेशन मेथड है वो यूज नहीं कर सकते रोटेशन मेथड इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर ऑब्लिक लाइन प्रॉब्लम वेयर लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी एंड थीटा प्लस फाइव इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री सच लाइन आर नोन एज लाइन सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी वेयर

हमें इस ऑग्जलरी मेथड का यूज करना है तो ऑग्जलरी मेथड यूज करने से पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये ऑग्जलरी मेथड जो है वो किस आजम्शन पे बेस्ड है किस फैक्ट पे बेस्ड है ये जो आजम्पन है दैट इज ऑल्सो फैक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट सपोज हियर देयर इज अक्सवाई लाइन and in front view there is a one line in this way suppose this is the line a dash and b dash so you must know its projectors are also matching तो यहां प्रोजेक्टर होगा ए का और यहां प्रोजेक्टर होगा सपोज बी का एंड आई विल जॉइन दिस लाइंस एंड दीज पॉइंट्स ऑब्वियसली ए के नीचे कौन सा एड के नीचे कौन सा पॉइंट होगा ए बीडैश के नीचे कौन सा पॉइंट होगा बी बी इट मींस दिस इज दी फ्रंट व्यू एंड दिस इज यू कैन से टॉप व्यू ओके यहां आपने अगर देखा तो आपको यह पता चलेगा कि डैश बी डैच हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन एक प्रॉपर्टी आपने ये सीखनी है कि बी डैश यानी फ्रंट व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई लाइन और अगर यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी लाइन एक्स वाई को पैरल है तो वो नेक्स्ट व्यू में आपको क्या देगी ट्रू लेंथ देगी नाउ यू विल हैव टू फॉरगेट ऑल थिंग्स अबाउट ऑब्लिक लाइन आर आर डिस्कसिंग, मूविंग ंग टर्ड्सलरी प्लेन मेथड अगर फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन जो मिलती है जो एक्स वाई को पैरल है तो उसके नेक्स्ट व्यू में यानी कि टॉप व्यू में वो आपको ट्रू लेंथ देती है और जब वो आपको ट्रू लेंथ देती है तो उसका जो इंक्लिनेशन है दिस इंक्लिनेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ True inclination, this particular inclination is also a true inclination with VP that is nothing but the phi. ab यहाँ क्या है? A dash B dash ये जो front view hai wo XY ko parallel hai और जब वो XY को parallel होगा तो next view में यानि कि top view में वो आपको क्या देगा? True length देगा। उसका top view क्या देगा? True length देगा। ये एक property है। Okay, after that, the same situation can be repeated in this particular manner. Suppose here there is a line, and I'll name this line as A and B. Now, this AB is nothing but your. Top view. A B is nothing but your top view. So I'll draw projector which are passing through this A and B. A and this is B. Now you can get the front view over here. this is point a dash and this is point b dash this is what it is its front view but here you can see that the top view line ab is parallel to xy line top view line ab is parallel to xy line so you can say that in the next view means in front view

कि अगर आपकी फ्रंट व्यू या टॉप व्यू ये दोनों में से एक लाइन अगर एक्स वाई को पैरेलल है तो उसके नेक्स्ट व्यू जो आपको उसका मिलता है वो नेक्स्ट व्यू ही उसकी ट्रू लेंथ होती है डेट इज द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज टू लर्न दिस ऑक्सिलरी प्लेन मेथड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गीव दिंग ऑक्जलरी प्लेन मेथडरी प्लेन मेथडरी प्लेन मेथड ए यूक्सल ए आर वायजलरी प्लेन मेथडरी प्लेन मेथड ऑक्जलरी प्लेन मेथड first point write down the basic concept the basic concept have to be used have to be used have to be used In this method, in this method, write down below. Basically, we have, basically, we have, basically, we have two views. Two views. Basically, we have two views in engineering drawing. In engineering drawing, which are which are. Front view and top view, front view and top view, front view and top view, front view and top view. Below that, write down A. ए ए पॉइंट इफ इफ फ्रंट व्यू लाइन इफ फ्रंट व्यू लाइन इज पैरेलल, इज पैरेलल, to xy line to xy line if front view is parallel to xy line then then its top view will be its top view will its top view will

And true inclination with VP that is phi also. And true inclination with VP. And the true inclination with VP that is phi also. B point point B point B If top view of the line 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 is parallel to xy line is parallel to xy line if top view of the line is parallel to xy line टॉप यू ऑफ एनी लाइन इज पैरल टू एक्स वाई लाइन देन इट्स फ्रंट व्यू देन इट्स फ्रंट व्यू देन इट्स फ्रंट व्यू इज प्रोवाइडिंग ट्रू लेंथ Then its front view is providing true length. Front view is providing true length. Front view is providing true length. And it gives and it gives. And it gives true inclination with HP, true inclination with HP. true inclination with HP that is that is theta that is theta This point A and B This point A and B is graphically presented is graphically presented. Below below And these two diagrams which I have provided over here, you need to draw. इन अ रफ मैनर ऑल्सो नो प्रॉब्लम एट ऑल इन योर नोटबुक कि ये जो मैंने ए और बी बताए हुए हैं वो समझने के लिए आपको ये डायग्राम जो है वो आपके नोटबुक में निकालनी पड़ेगी ओके okay? कि पहले व्यू में फ्रंट व्यू इज पैरल टू एक्स वाई लाइन और टॉप व्यू जो होता है वो आपको ट्रू लेंथ देता है और नेक्स्ट डायग्राम में टॉप व्यू इज पैरेल टू एक्स वाई लाइन जिसमें फ्रंट व्यू आपको ट्रू लेंथ देता है ओके okay. यहां आपको टॉप यू ट्रू लेंथ देता है और यहां आपको फ्रंट ट्रू लेंथ देता है यानी कि यहां ट्रू लेंथ की लाइन अलग नहीं होगी यहां पहले व्यू में टॉप यू की लाइन ही आपको ट्रू लेंथ देगी मीन्स टॉप यू आर सेम एंड इन सेकंड व्यू बोथ आर सेम पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टंड ओके वन सेकेंड आई एम टेलिंग इन फर्स्ट डायग्राम टॉप यू लेंथ ओके मींस प्लान लेंथ एंड ट्रू लेंथ बोथ आर सेम एंड इन सेकंड केस योर इलिवेशन लेंथ मींस फ्रंट फ्रंटयू लेंथ एंड ट्रू लेंथ बोथ आर सेम लेकिन ये कब पॉसिबल है जब दोनों व्यू में से एक जो व्यू होगा वो व्यू एक्स वाई लाइन को पैरल होगा तब यह पॉसिबल होगा

ऑग्जलरी का मीनिंग क्या है कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ऑग्जलरी वर्ड हेलो डू यू नो मीनिंग ऑफ ऑग्जलरी वर्ड ऑग्जलरी वर्ब्स हैव यू यूज इन इंग्लिश और नॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यू आर लर्निंग इन यूर फर्स्ट इयर ऑफ इंजीनियरिंग वट टू सहायकारी एक्सैक्टली ऑगजलरी मीन्स सहायकारी ऑगजलरी मीन्स जो आपको सहयोग देती है ओके okay? तो यह ऑग्जलरी प्लेन यानी क्या है आपको सहयोग देने वाला प्लेन है अब यह सहयोग क्या देता ये? देता है ये बात हम यहां पढ़ेंगे सो मेनी टाइम्स द सिचुएशन इज इन धिस वे Suppose this is your XY line. Okay. I'll name X and I'll name Y. And what happens here? Here, suppose I am getting the front view of the line in this particular manner. Then, you know that exactly below to this particular line you can get its projector and here suppose you have got the top view so, this is what it is front view. And this is what it is top view. Now, front view and top view is in front of you. Suppose this is my line A dash, B dash. And this is my line AB. Now here in this type of the line you can see that आप यहां देख सकते हैं कि एडेज बीडेज भी एक्स वाई को पैरेलल नहीं है और ए बी जो है वो भी एक्स वाई को पैरेलल नहीं है यहां फ्रंट यू भी एक्सवाई को पैरेलल नहीं है और टॉप यू भी एक्स वाई को पैरेलल नहीं है ओके सपोज आई ड्रॉ अ प्लेन ओवर हियर इन धिस वे अगर मैं प्लेन यहां ड्रॉ करता हूं तो ये कौन सा प्लेन होगा फ्रंट व्यू जहां दिखता है ये होगा आपका वीपी और जिसे हम एफ कहते हैं वर्टिकल प्लेन और फ्रंट और फ्रंटल रेफरेंस प्लेन now suppose if you are going to refer the plane over here in which the top view is going to lie ये जो top view जहाँ lie होता है अगर ये plane आपने देखा तो ये plane होगा आपका yhp टल प्लेन और जिसे हम ग्राउंड भी कहते हैं अब एक बात तो फिक्स है यहां कि यहाँ जो मुझे दो प्लेन मिले हैं वर्टिकल प्लेन और एचपी मींस हॉरिजोनटल प्लेन तो ये जो लाइन है वो वीपी को भी इंक्लाइनड है और एचपी को भी इंक्लाइनड है इसलिए यह जो लाइन ए बी है इसका फ्रंट व्यू जो है वो फ्रंट व्यू एक्स वाई को पैरेलल नहीं है और इसका टॉप व्यू भी एक्स वाई को पैरेलल नहीं है नाउ द प्रॉब्लम इज इन सच केसेस हाउ वी विल हैव टू गो फॉर द ट्रू लेंथ और पॉइंट व्यू ऑफ सच लाइन कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा तो एक काम हम कर सकते हैं क्या काम कर सकते हैं कि अगर हमारी लाइन एक्स वाई को पैरल नहीं है ठीक बात है कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रंट यू भी वाई को पैरल नहीं है और टॉप यू भी एक्स वाई को पैरल नहीं है ये बात हम समझ लेंगे समझ लेते हैं तो एक हमको करना पड़ेगा कि अगर ये ए डैश बी डैश या ए बी वाई को पैरल नहीं है और जब तक ये दोनों लाइन में से एक लाइन एक्स वाई को पैरल नहीं होंगी तब तक हमें नेक्स्ट व्यू में ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई कि ए डैश बी डैश जो है वो भी एक्स वाई को पैरल नहीं है ए बी भी एक्स वाई को पैरल नहीं है अब ऐसी केस अगर आ गई तो हम क्या करें तो इसलिए जो भी ग्राफिक्स के इन्वेंटर थे इन्होंने और एक मेथड खोज निकाली कि ठीक है कि आप आप और आपका दोस्त एक तो आप समझ लीजिए मैं आपको यह एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपको यह समझ में बात आ सके कि आपने डिसाइड किया है कि आप और आपके जो दोस्त हैं छुट्टी के दिन दोनों मिलके कुछ खेल खेलेंगे और आपने आपके दोस्त को यह तो फिक्स है कि हम खेल खेलेंगे आपने आपके दोस्त को आपके घर बुला लिया लेकिन किस वजह से सपोज कुछ भी रीजन हो बाइक नहीं हो कुछ प्रॉब्लम हो इस प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका दोस्त आपके पास नहीं आ सका लेकिन आपको दोस्त को किसी भी हाल में मिलना है तो आप क्या करेंगे सिंपल क्वेश्चन है आपको और आपके दोस्त को मिलना है कुछ खेल खेलना है वो आपके आपने उसको आपके घर बुलाया है लेकिन वो आपके घर नहीं आ सकता तो दूसरा क्या मेथड है उसे मिलने का आप उसके घर एब्सोल्युटली करेक्ट अगर वो आपके घर नहीं आ सकता है तो आपको उसके घर जाना चाहिए यहां अगर ए डैश बी डैश लाइन या ए बी लाइन वाई को पैरेलल नहीं है ये बात मैंने मान ली तो मैं यहां क्या करूंगा मैं यहां एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और इसे मैं नाम देता हूं यक्स वन इसे मैं नाम देता हूं एक्स वन और वाई वन अब आप देखिए कि जब मैंने ये x1 y1 a वाई वन जहन बी रखे ड्रॉ किया है तो ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है a एस को x1 y1 क्या है एब्सोलूटली करेक्ट व्यू लाइन को ये x1 y1 जो है वो क्या है पैरेलल है यानी कि यहां इस व्यू में, जो भी व्यू में सॉरी जो भी व्यू में इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा वो व्यू मुझे ए बी लाइन की ट्रू लेंथ देगी क्यों ट्रू लेंथ देगी क्योंकि एबी ये लाइन एक्स वन वाई वन को पैरल है तो मैं इस लाइन के ऊपर अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन कंप्लीट कर दिया तो ये मुझे क्या देगी ये मुझे ट्रू लेंथ देगी सेम सिचुएशन इज हियर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ्रंट व्यू को ही हम ये लाइन या ये प्लेन ड्रॉ करें यू कैन ड्रॉ सेम काइंड ऑफ द एक्सिस सॉरी नॉट एक्सिस द द्लेन पैरल टू ए बी ऑल्सो इसे मैं नाम देता हूं यक्स टू वाई टू अब ये जो यक्स टू वाई टू है ये आपके टॉप व्यू को पैरल है राइट और अगर उसके अपोजिट साइड में आपने इसका प्रोजेक्शन कंप्लीट किया तो आपको यहां क्या मिलेगा ट्रू लेंथ मिलेगा यानी कि अगर आपकी लाइन एक्स वाई को अगर पैरेलल नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए एक्स वाई नई लाइन निकाल के उसको ही हम फ्रंट या व्यू लेंथ को पैरल कर सकते हैं अगर आप दोस्त के पास नहीं जा सकते हैं तो दोस्त आपके पास आएगा और अगर दोस्त आपके पास नहीं आ सकता है तो आप दोस्त के पास जाओगे एग्जाम्पल हमेशा आप याद रखिए और ये जो प्लेन यहां ऊपर के साइड में ये जो हम एक नया प्लेन यहां जनरेट होगा एक नया प्लेन इस डायरेक्शन में आपके जो जनरेट होगा जस्ट मिनट उस नए प्लेन को हम यहां नाम देंगे ऑक्सिलरी प्लेन ये जो x1 y1 का प्लेन है या ये x2 y2 का जो प्लेन है उस प्लेन को हम कहेंगे ऑक्सिलरी प्लेन ओके तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां तो कई वल्ले बुल बोले ओके सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू लर्न द ऑक्सिलरी प्लेन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज टू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑक्सिलरी प्लेन टू यू क्या मेथोडोलॉजी है कि अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू की लाइन एक्स वाई को पैरेलल नहीं है तो हम नए एक्स वाई निकालेंगे जो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू को पैरल होंगे ओके और एक बहुत मजेदार बात यह है कि अगर यह टॉप व्यू है इसके बाद फ्रंट व्यू है तो इस फ्रंट व्यू को एक्स वाई लाइन पैरल करके आप जो व्यू निकालेंगे उसे आपको नाम देना है ऑक्सिलरी टॉप व्यू यहां आपका ऑक्ज़िलरी टॉप व्यू होगा और यहां आप देखिए ये ऑक्ज़िलरी टॉप व्यू हो गया यहां आपका फ्रंट व्यू हो गया फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू हो गया और टॉप व्यू के बाद फिर से इस प्लेन में ऑक्ज़िलरी फ्रंट व्यू हो गया यानी कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो आते हैं वो आपको अल्टरनेटली मिलते हैं फ्रंट व्यू व्यू टॉप फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको कैसे मिलते हैं अल्टरनेटली ये देखिए ऑक्सिलरी हुआ तो भी क्या हुआ ऑग्जलरी फ्रंटव्यू एक्स वाई लाइन के एक्स टू वाई टू के इस लेफ्ट साइड में राइट right साइड में टॉप व्यू फिर एक्स वाई फिर व्यू फिर एक्स वन वाई वन फिर ऑग्जलरी टॉप्यू ऑगजलरी टॉप्यू एक्स वन वाई वन फिर फ्रंट व्यू एक्स वाई फिर व्यू एक्स टू वाई टू और फिर फ्रंट व्यू यानी कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू अल्टरनेटली इस मेथड में आते हैं ये इन डिटेल हम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस बाय यूजिंग दिस ऑक्सिलरी प्लेन दैट इज द सेकंड मेथड बट स्टिल यू आर इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ओनली And that concept is auxiliary plane method. So, I think you have given the heading auxiliary plane method. Then look towards this particular figure and try to copy it down in your notebook immediately. Okay, this is the basic figure which can be used to understand auxiliary plane method. Draw it.